से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे वजह से आपके पापा कितने परेशान हो गए। वो पेपर्स अगर खराब नहीं होते तो उन्हें भोज भी नहीं जाना पड़ता। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं, कैसे उनकी परेशानी दूर कर, कैसे उन्हें मनाऊं? वो फोन नहीं उठा सकते, लेकिन संदेश तो देख ही सकते हैं ना। हाँ, मैं उन्हें संदेश भेजती हूँ। मोटा भाभी, अहम को बहुत जरूरी काम आ गया इसलिए वो भुज के लिए निकल गया। पर कोकिला, आज शाम को तो उन लोगों के एनिवर्सरी की पार्टी रखी है, बताया था ना अहम को। मोटा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पहुँचने में केवल 4 घंटे लगते हैं, और फिर अमन भी तो है उसके साथ। अहम ने मुझसे वादा किया है कि पार्टी शुरू होने से पहले ही वो वापस आ जाएगा। फिर ठीक है। और हाँ, कल सुबह वो अमन के साथ वापस भुज के लिए रवाना होगा। श्वेता, क्या हुआ? वो कुछ नहीं मामी जी, वो बस गर्दन में मोच आ गई है। अजीब मुसीबत है राशि, काम किए बगैर भी तुम नहीं बैठ सकती हो, और काम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही आसान नहीं है। अब करे तो क्या करे? राशि दिख रहा, उस पर दवाई लगा लो। क्या हुआ राशि बहन? बेटा, वो राशि की गर्दन में मोच आ गई है। राशि बहन, मैं सेक देती हूँ। नहीं गोपी बहू, मैंने कहा है ना, आज के दिन तुम दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा। मिठी जी, ननी भाभी, तुम राशि के गले का सेक कर दो। नहीं काकी जी, वो मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। मम्मी, आपका खाना और ये बिल। एक मिनट भाई, 40 रुपए दीजिए ना। हमारे पास है ना थी। 40 रुपए नहीं है आपके पास? सुनाई नहीं पड़ा मैंने क्या बोला? अरे वैसे भी जब घर में खाना बना के रखा है तो बाहर से खाना मंगाने की क्या जरूरत थी? याद रख जे, तू फाल्गुनी जैसी अमीर नहीं है जो रोज रोज बाहर से खाना ऑर्डर कर सके। देखिए फरी, उस फाल्गुनी के साथ मेरी बराबरी मत कीजिए। बोली वैसे भी उससे तेरी बराबरी कर कौन रहा है? तू तो उसके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। बस तर मोड़ बंद रख। ये लीजिए, नहीं चाहिए। फिर मांगा तो क्यों? गोपी बहू, अहम की तरफ से कोई सूचना मिली? नहीं माँ जी। तुमने उसे फोन लगाया? हाँ माँ जी, मैंने फोन तो लगाया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, शायद मीटिंग में होंगे। मैंने उन्हें फोन पर संदेश भी भेजा लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। अच्छा, पर अहम की तो आदत है कि वो
हमेशा एसएमएसएस के जवाब देता है। हो सकता है मीटिंग में व्यस्त होगा, हम कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं। लगन्नी वर्षगांठनी खूब खूब पधामणी। थैंक यू राशि बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये आपके लिए। थैंक यू धवल भाई। मैं आता हूँ। अरे ये तेरी गर्दन को क्या हुआ? मम्मी आपके उस फ्री मसाज के एडवाइस की वजह से ही हुआ है, मेरी गर्दन ही तोड़ डाली। शादी की बेस्ट एंड बेस्ट सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। अरे विवान जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोटी बेन। जिगर जी कहाँ है? विवान जी वो तैयार हो रहा है। और दीदी बेटी को बधाइयाँ। हाँ आइए, गोपी से भी मिल लीजिए। हाँ बस उसी के पास जा रही थी। आ बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी गोपी दिकरा। धन्यवाद। एम जी कहाँ है? वो बस अभी आते ही होंगे। अरे आशु, पोतानी पार्टी में पोतेज लेट। उर्मिला बहन अभी अभी तो आई है, बैठिए सांस लीजिए, कुछ ठंडा वंडा पीजिए, अहम आ ही जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अमन भाभी हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद। अमन तुम अकेले, मेरा मतलब अहम नहीं आया तुम्हारे साथ? वो यहाँ नहीं है क्या? जी नहीं। पर वो तो मुझसे पहले निकल चुका था और उसने मुझसे कहा था कि मिस्टर मेहता के साथ उसकी कोई मीटिंग है। और हाँ, ऑन द वे उसने मुझे याद भी दिलाई थी कि पार्टी पर शाम को पहुंच जा। ये रहा उसका लास्ट कॉल। गोपी वाओ, अहम अच्छी तरह से जानता है कि हम सब पार्टी के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो ये भी जानता है कि आज का दिन उसके लिए विशेष दिन है और उसने वादा किया है ना कि वो पार्टी से पहले आ जाएगा। चिंता मत करो। हाँ माँ जी, वो सब तो ठीक है लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब तक अहम जी क्यों नहीं आए? साथ में